नमस्कार सभी साथियों और मेरे सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत तहे दिल से मेरा आभार और अभिनंदन। जन सरोकार मंच के माध्यम से लगातार प्रसारित की जा रहे कार्यक्रमों में आज हम एक बहुत अनौपचारिक रूप से एक वार्ता, जिसे आप निसंकोच विमर्श कह सकते हैं, कह सकेंगे, और उसका केंद्र में जो विषय वस्तु है वो है हमारे देश की आधी आबादी वाली स्त्री। स्त्री पक्ष को लेकर सामाजिकता में, साहित्य में और उसके आम जन जीवन में जो आज भूमिका है या उसकी जो दिशा है आज वर्तमान में, उस पर हम एक अनौपचारिक वार्ता कर रहे हैं, जिसे आप निसंकोच विमर्श कह सकेंगे। तो हमारे लिए इस वार्ता के साथ आदरणीय डॉक्टर मनु शर्मा जी अपने साथ हैं। तो मनु जी, अभिनंदन आपका। नमस्कार। नमस्कार सक्सेना जी। तो इस विषय पर मैं चाहता हूं कि आपसे इसलिए भी बात करना बहुत जरूरी हो गया है, सभी मुझे माफ करें कि स्त्री विमर्श के नाम से बहुत कुछ लिखा भी गया और बात भी बहुत हुई, लेकिन अक्सर कहीं ऐसा लगता रहा कि बात उतनी गहराई के पैट में नहीं जा पा रही, एक फिलर की तरह यूज की जा रही है, जैसे हम रिक्त स्थान को भर दें। और मैं मनु जी से अपेक्षा करता हूं कि वो संदर्भ जो स्त्री पक्ष का है हमारे समाज में, उसकी गहरी पैट रखते भी हैं आप, सोचते भी हैं, तो उस संबंध में सीधी सीधी बात कुछ करी जाए तो शायद कुछ हम किसी तह तक या किसी विचार बिंदु तक पहुंच पाए, ऐसा एक प्रयास भर है। तो डॉक्टर साहब, देखिए सक्सेना जी, क्या है कि पिछले करीब 3 दशक से जी हमारे समाज के अंदर जो पहचान को लेकर के जी जी तरह तरह के विमर्श जी शुरू हुए हैं, उनमें से एक जो है वो स्त्री विमर्श भी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि चाहे वो दलित विमर्श रहो, हाँ, चाहे वो आदिवासी विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, इन सब के साथ साथ जी अब ऐसा जो है वो एक समाज के अंदर वैचारिक परिदृश्य बन गया है जी, जिसमें हम जो है ये जो आइडेंटिटीज हैं, हाँ, ये जो पहचाने हैं जी, इन पहचानों को लेकर के अगर स्वतंत्र रूप से कोई अपना विचार नहीं रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जो मुख्य धारा है जी, उस मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है, हमारा विचार मुख्य धारा से अलग हो रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज का जो वैचारिक वातावरण है उस वैचारिक वातावरण के अंदर ये जो समस्त विमर्श है, इसी के अंदर मैं जो है ना वो एक वंचित जो समुदाय है हमारे समाज का, उसको भी मैं शुमार करना चाहूंगा। जैसे जिसके लिए अंग्रेजी के अंदर एक शब्द काम में लिया जाता है, सबाल्टर्न। ठीक है, उस सबाल्टर्न जो सोसाइटीज है जिसमें ये जो घुमंतु लोग होते हैं, है, ये जो एक तरह से वंचित जो समुदाय है, ठीक है, या यो कह लीजिए कि फुटपाथों के ऊपर रहने वाले जी, या बस्तियों के अंदर जा करके और अपना जो है ना वो छोटे मोटे खेल तमाशे दिखाने वाले, बिल्कुल, है,
और मैं आपने आपने चूंकि वो उपन्यास शायद पढ़ा भी है, खासतौर से जैसे रत्न कुमार सामरिया का सांप जो सांप के सांप आया, वो क्या है कि वो एक तरह से वो सबाल्टर्न स्टडीज का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा, वो उपन्यास तो सबाल्टर्न स्टडीज जो है वो भी एक तरह से आइडेंटिटी डिस्कर्स के अंतर्गत ही काम करती है, शुमार होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो जो स्त्री विमर्श की बात आप कर रहे हैं वो स्त्री विमर्श चूंकि जैसा हम देखते हैं समाज के अंदर जो है एक बहुत बड़ी आबादी, यो कह लीजिए कि दुनिया की आधी आबादी, ठीक है, उस आधी आबादी के अपने कुछ सवाल हैं, उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उसके अपने उसकी अपनी जो है ना एक जीवन दृष्टि है, और इन सबको लेकर के अगर हम समाज की उस आधी आबादी के बारे में जी बहुत तार्किक और वस्तुनिष्ठ ढंग से किन्हीं निष्कर्षों पर नहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, उसका उसके उसके जो दबाव है और उसकी अपनी जो सोच है, ठीक है, उसे लेकर के हमें हमारे भीतर कोई बेचैनी नहीं, उपेक्षा का भाव, हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदियों से जी जो स्त्री है वो हमारे समाज और हमारे समाज में ही पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उपेक्षित रही, ठीक है, वो उस उसका उसका जो पक्ष है उस पक्ष को कभी उस वैचारिक उदारता के साथ में समझने की कोशिश नहीं की गई, पुरुष वर्ग ने कभी की ही नहीं, और उसका कारण सीधा सीधा ये रहा है कि दुनिया के अंदर अधिकांश देश जो है वो पैट्रियार्की के शिकार रहे, जो पुरुष मानसिकता है या जो पुरुषवादी सत्ता है, उस पुरुषवादी सत्ता जो है वो दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर प्रभावी रही है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ कुछ समाज ऐसे भी हैं जहां जिनकी संरचना मात्र सत्तात्मक है, लेकिन आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि वे जो समाज है वे समाज या तो आदिवासी समाज है या जनजातीय समाज है या यूं कह लीजिए कि वो जो है वो समाज की जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा से कटे हुए समाज है जिनके अंदर आज भी हमें मात्र सत्तात्मकता देखने को मिलती है। तो जहां मात्र सत्तात्मकता है वहां तो स्त्री का जो है वो हमें एक दूसरा रूप नजर आता है, लेकिन जो पितृसत्तात्मक समाज है उस पितृसत्तात्मक समाज के अंदर तो जो स्त्री है वो स्त्री एक तरह से दास के रूप में या एक मैं कहता हूं कि वो जो है ना वो एक जो पूरा का पूरा जो स्त्री समाज है वो एक कॉलोनी के रूप में है। ठीक कह रहे हैं आप। तो आपके कहने के हिसाब से अगर ये बात सामने आ रही है कि जहां पैतृक हिसाब जो पुरुष सत्ता है जी वहां स्त्री के अस्तित्व को लेकर अब स्त्री उसको संकट में महसूस करने लगी, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए क्या है कि जो पितृसत्तात्मक समाज है उन पितृसत्तात्मक समाजों के अंदर स्त्री का जो अस्तित्व है वो संकट में तो सदा ही रहा है। नहीं, क्या अब वो अवेयर हो गई? मैं संकट की बात इसलिए कह रहा हूं जी, क्या है कि उसका जो दर्जा है वो दर्जा अगर मैं कहूं बहुत कड़वे शब्दों के अंदर जी तो एक गुलाम से बेहतर कभी नहीं रहा, ठीक है, और जो पुरुष है वो पुरुष की मानसिकता उसके प्रति पूरी तरह से सामंती रही, ठीक है, वो उसके साथ में उसी तरह का बर्ताव करता रहा है जिस तरह से एक सामंत या एक मालिक अपने नौकर के साथ में या
एक जो स्वामी है वो अपने दास के साथ में बर्ताव करता है, तो जो पुरुष है जी, वो पुरुष अपने आप को एक संस्था के रूप में जी 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 मान करके चलता है, है? जो पति होता है वो पति अपने आप को यह मान करके चलता है कि जैसे मैं जो है मैं इस परिवार का, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, मैं इस परिवार का जो है सर्वे सर्वा हूँ, इस परिवार के बारे में जो है वो हर तरह के निर्णय लेने का अधिकार मुझे है, क्योंकि मैं इस परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करता हूँ। ठीक है, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता पुरुष को स्त्री के प्रति जो है वो अनुदार बनाती है, ऐसा ही सहिष्णु बनाती है, और उसके साथ में पुरुष को गुलाम जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या ऐसा नहीं कह सकते अपन कि ये प्रवृत्ति जो है स्त्री के पक्ष में उस तरह खड़ी होती है जैसे पुरुष किसी दासी के साथ या किसी वैश्या के साथ व्यवहार करे? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या ऐसा नहीं लगता? आप जो है ना, मैंने इसीलिए दास शब्द गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया जी, है जी, कि वो उसका बर्ताव जो है ना वो उसी तरह का होता है उसका बर्ताव जी, और वो ये समझता है कि ये जो है वो मेरी सेवा करने के लिए है और उसका उपभोग करता है, सेवा के स्तर पर भी उसका उपभोग करता है और दूसरी तरह से भी उसका उपभोग करता है, यानी हर तरह से वो। और स्त्री की कंसेंट का कोई यहाँ नहीं, कोई महत्व तो नहीं होता उस समाज के अंदर। अब चूंकि स्त्रियों के बीच में शिक्षा का प्रसार हुआ है जी जी जी, इसके अलावा जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर स्त्री आत्मनिर्भर हो चली है, ठीक है, है? उसको जो है वह आर्थिक रूप से वह पुरुष के ऊपर अब निर्भर नहीं रही नहीं, तो इस चीज ने उसके भीतर ये साहस पैदा किया है, ठीक है, कि वह अपनी जो हैसियत है सामाजिक, जो सामाजिक हैसियत है, उस सामाजिक हैसियत को लेकर के कुछ जो है वो पुरुष के सामने सवाल खड़े कर, ठीक है, और वह ये चाहती है, देखिए और कुछ नहीं है, जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो स्त्री विमर्श के अंदर जी मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि कोई स्त्री और पुरुष के बीच में छोटा और बड़ा होने का या पुरुषों को नीचा दिखाने का जो है वो मंतव्य नहीं है, उसके पीछे उनका जो सोच है वो ये है कि हमें समाज के अंदर ठीक उसी तरह से सम्मान और भागीदारी मिले जिस तरह का सम्मान और जिस तरह की सामाजिक भागीदारी पुरुषों की है, ठीक है, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई अनुचित बात नहीं। आपका सोचना बहुत अच्छा है। ये एक यानी स्त्री जो है ना, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, स्त्री जो है ना वो केवल मादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दिक्कत ये है जो पुरुषवादी सोच है उस पुरुषवादी सोच के अंदर दिक्कत ये है कि पुरुष अपने आप को नर समझता है और उसको मादा समझता है, ये जो चीज है ना, ये तो यो मैं यो कह सकता हूं कि ये तो बायोलॉजिकल जो यूनिट्स है, ये बायोलॉजिकल यूनिट्स की बात है भाई, बायोलॉजिकल यूनिट्स के अंदर आप ना एक जो ह्यूमन बीइंग है वो एक ह्यूमन बीइंग मेल है और दूसरा ह्यूमन बीइंग जो है ना वो फीमेल है, नहीं तो लेकिन 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 ये मानवीय समाज के संदर्भ में प्रकृति के जो नेचुरल वहां तो संतुलन है, नहीं वहां संतुलन है लेकिन नर और मादा तो जो है ना वो प्रकृति के अंदर है, जानवरों में भी होते, बिल्कुल है, लेकिन बात कीट पतंगों में भी होते हैं, बिल्कुल है, लेकिन प्रश्न ये है कि पुरुष ऐसी विचारधारा क्यों पनपाए बैठा है अपने अंदर, कौन सा तुष्टिकरण कर रहा है अपना कि वो उसको कमतर मांगता है। देखिए क्या है कि कमतर जो मानने की बात है ना, वो एक तो चूंकि नेचर ने जो है वो स्त्री और पुरुष की जो शारीरिक संरचना है, ठीक है,
उस शारीरिक संरचना के अंदर जो है वो थोड़ा सा अंतर पैदा किया है। ठीक है, वो प्राकृतिक चीज है। नहीं, ठीक है, उसमें 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 न स्त्री की कोई कमतरी है और न पुरुष की जो है ना कोई कोई बढ़ोतरी है। सही है ऐसा। लेकिन चूंकि शारीरिक रूप से जो है वो पुरुष अपने आप को स्त्री की तुलना के अंदर ज्यादा मजबूत मान करके चलता है, तो उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं इसको दबा करके रखूं। ठीक है, जबकि नेचर के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है। आप देखिए नेचर के अंदर, आप देखिए कि जो शेरनी होती है वो शेर की तुलना के अंदर ज्यादा जो है शक्तिशाली, ज्यादा कर्मठ और ज्यादा आक्रामक नजर आती है। वो अपनी संतान के प्रति तो जो है ना बहुत ममत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लेकिन अगर 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 मान लीजिए जैसे उसके उसके परिवार के ऊपर अगर बाहर से कोई जो है वो हमला करता है तो वो शेर की तुलना में ज्यादा आक्रामक, अपने बच्चों के लिए वो ज्यादा आक्रामक होगी शेर की तुलना में। बिल्कुल सही। तो अगर इस तरह से देखें आप तो जो स्त्री है यानी जो मादा है वो मादा वैसे तो बहुत शक्तिशाली है पुरुष की तुलना में, लेकिन वो जो पुरुष की पुरुष का जो वर्चस्व है, पुरुष की जो डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस को कहीं चैलेंज नहीं करती। और ये चैलेंज न करना जो है वो एक मैं समझता हूं ये नेचुरल फिनोमिना है। नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना। आपकी बात से सहमत होते हुए भी मैं थोड़ा सा अपनी बात ऐसे कहना चाहता हूं कि पुरुष को बायोलॉजिकल जी रूट से उसे ताकत मिली है, पावर मिली है, वो फिजिकल है, मेंटल नहीं कह रहा मैं, फिजिकल है। लेकिन जहां स्त्री का पक्ष है, ऊपर वाले ने ईश्वर ने उसको उसका यौवन, उसका आकर्षण, उसका स्त्री होना ही पुरुष के संपूर्ण सत्ता पर भारी पड़ने के लिए काफी है। देखिए आप जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं जी, दरअसल वो भी जो है वो मैं समझता हूं कि एक तरह की जो है ना वो संकीर्ण सोच को प्रकट करता है। कैसे? क्योंकि हम जो स्त्री है उस स्त्री को केवल पुरुष की जो शारीरिक जरूरतें हैं, ठीक है, उन शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का जरिया क्यों मान करके चले? नहीं, हमें मतलब मेरा अर्थ ये नहीं है कि उसको उस रूप में स्वीकारा जाए, लेकिन ईश्वर ने उसको वो सामर्थ्य दिए। वो सामर्थ्य दिए, मैंने शुरू में ही इसीलिए कहा कि जो शारीरिक संरचना है, जहां हम ये कहते हैं उस शारीरिक संरचना की दृष्टि से जो है ना स्त्री और पुरुष के अंदर अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक देखा जाए शारीरिक शक्ति के और संघर्ष की स्थिति को, तो वो ज्यादा संघर्षशील होती है, उसके पास में ज्यादा शारीरिक मजबूती होती है। बिल्कुल सही है। वो जो है, और पुरुष जो काम नहीं कर सकता, बच्चों की देखरेख करने का काम, बच्चों को पाल पोष करके बड़ा करने का जो काम है जी, वो काम वो स्त्री करती है, पुरुष नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो पुरुष को इस कमजोरी को कौन समझाएगा? ये तो देखिए, ये क्या है कि वही बात मैंने पहले कहा कि भाई चूंकि पुरुष अपने आप को जो है वो परिवार का जो है वो आर्थिक रूप से भरण पोषण करने वाला समझता है, तो ये जो आर्थिक जो शक्ति है, जो अर्थ शक्ति है जी, वो अर्थ शक्ति उसको जो है वो परिवार के अंदर स्त्री की तुलना में उच्चता देती है। लेकिन अब तो अगर मान लीजिए स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी, हाँ, तो वो पुरुष की जो उच्चता है
उसको स्वीकार नहीं करती है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, जो श्रमिक वर्ग होता है उस श्रमिक वर्ग के जीवन को आप देखिए तो उसके अंदर जो स्त्री होती है वो अपने आप में एक आर्थिक इकाई होती है, बिल्कुल, पुरुष अपने आप में एक आर्थिक इकाई होता है, ठीक है, और आर्थिक इकाई होने के कारण वो जो स्त्री है वो स्त्री उस पुरुष की जो है वो ज्यादा जो है वो ताबेदार होकर के नहीं रहती, ठीक है, वो वहां तक ठीक है जहां तक परिवार को आगे ले जाने और परिवार को बनाए रखने और परिवार के विकास की बात है वहां तक वो उसका बराबर सहयोग करती है। लेकिन जैसे ही वो पुरुष उस स्त्री के ऊपर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता है और वो उसको चिटक देती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एक आर्थिक इकाई है, वो आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर होने के नाते वो जानती है कि मैं जब खुद श्रम करके मेहनत करके और अपना पालन पोषण कर सकती हूँ तो मैं इसकी गुलामी क्यों करूँ, ठीक कह रहे हैं। लेकिन पिछले तीस सालों की बात कर रहे हैं, 3 दशक की आप, तो इन स्थितियों में बहुत बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क पड़ा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि जब वैवाहिक रिश्ते होते हैं तो वर पक्ष जी ये तलाशता है कि लड़की अपने पैरों पर डिपेंडेंट हो, कुछ अर्निंग सोर्स उसके पास हो, कुछ पैसा घर लेके आए, ये एक डिमांड का एक 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 जैसे कहना चाहिए अघोषित जी एक डिमांड क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। अब और ऐसा 30 साल में हो रहा है, तो अब इस रेशो में जो अपनी सोच अभी चल रही थी उसमें अभी भी ये विम नहीं टूटा है, अभी भी पुरुष का आधिपत्य चल रहा है। उसका देखने में आता है कि उस महिला के ATM कार्ड से या बैंक अकाउंट से उन पर पुरुष पक्ष का ही कब्जा रहता है, वो अपनी मर्जी से अभी स्वतंत्र नहीं हुई है कि वो अपनी मर्जी से कहीं कुछ इन्वेस्ट कर सके या खर्च कर सके, वहां भी दबाव देखा जा रहा है जबकि वो सक्षम हो गई। देखिए क्या है कि ये जो सोच है जी जिसमें पुरुष ये मान करके चलता है कि इसकी कमाई मेरी कमाई, ये वह सोच है, ठीक है, वो स्त्री के द्वारा जो कुछ भी अर्जित किया जा रहा है उसको भी वो ये समझता है कि ये मेरी कमाई है। कारण ये है कि वो जो हमारा जो जो मानसिक गठन है, वो मानसिक गठन या हमारी जो मानसिक संरचना है, उस मानसिक संरचना के अंदर हम ये मान करके चलते रहे हैं कि जो स्त्री है वो स्त्री तो धन है, ठीक है, हमारे समाज के अंदर स्त्री को भी एक धन के रूप में देखा गया है और समझा गया है। नहीं तो पुरुष सम्मान क्यों नहीं करता उसका, नहीं यही तो बात है। तो जो धन है तो उस धन का वो उसी तरह से उपभोग करना चाहता है जिस तरह से दूसरी भौतिक चीजों का उपभोग कर रहा है, उसके प्रति उसकी वही धारणा रहती है। यानी आप उसको जो है एक कमोडिटी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको मानवीय इकाई के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नारी विमर्श की जो सारी के सारी समस्या है, नारी विमर्श का जो सारा संघर्ष है उसकी जो मुख्य चिंता है, वो मुख्य चिंता ये है कि स्त्री को आप एक मानवीय इकाई के रूप में स्वीकार कीजिए। बिल्कुल सही, वो जो है वो न तो मादा है, न वो जो है न स्त्री है और न वो पत्नी है। ये जो कैटेगरीज है जी, ये कैटेगरीज तो देखिए क्या है कि एक जो श्रेणी है वो तो नेचुरल है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष नर और मादा नहीं, उस पर तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, उस पर कोई बात नहीं। दूसरी जो श्रेणी है वो सामाजिक श्रेणी है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष जो है ना के रूप में उनकी पहचान होती है, ठीक है। और तीसरी जो श्रेणी है हाँ। वो सांस्कृतिक श्रेणी है हाँ। जिसके अंदर वो पति और पत्नी है, बिल्कुल सही है। तो ये जो श्रेणियां है जी, जी। ये श्रेणियां जो है वो अलग अलग संदर्भों के अंदर है, एक सांस्कृतिक संदर्भ लिए हुए हैं, एक सामाजिक संदर्भ लिए हुए हैं, एक प्राकृतिक संदर्भ लिए हुए हैं। और
जब आप जो है इन तीनों संदर्भों को ठीक है मिलाकर के देखेंगे, तो उन तीनों संदर्भों को मिलाकर के देखने के बाद में जो एक चौथी श्रेणी मैं मान करके चलता हूं वो है मानवीय, मानवीय इकाई है। तो स्त्री भी मानवीय इकाई है और पुरुष भी मानवीय है, और यहां आकर के दोनों समान धरातल के ऊपर जो है ना खड़े होते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे एक मनुष्य कि उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसके अपने सपने होते हैं, उसकी आकांक्षाएं होती हैं, उसकी रुचियां होती हैं, उसकी अपनी जरूरतें होती हैं, वही सारी है। वही सारी जो है उसके भी स्त्री की भी उन्हें स्वीकार और उन्हें आप स्वीकार कीजिए सम्मान के साथ। ठीक कह रहे हैं। उसकी जरूरतों को आज उसकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों करना चाहते हैं भाई। वो भी जो है जैसे आप अपने घर से निकल करके और अपने दोस्तों के बीच में जाकर गपियाते रहते हैं, उसी तरह से वो भी अपने सहेलियों के साथ में मिलकर के और अपने सुख दुख के बारे में बतियाना चाहती है। आप उसको घर के अंदर कैद क्यों रखना चाहते हैं? कौन सा भय? कौन सा भय क्यों क्यों रखना चाहते हैं? कौन सा भय है? और इसके साथ साथ पुरुष की वो कौन सी कुंठा है? हाँ हाँ। इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा पुरुष की वो कौन सी कुंठा है जिसकी वजह से वो जो है ना उसको अपने घर के अंदर कैद रखना चाहता है, और क्यों रखना चाहता है? ठीक है भाई, देखिए क्या है कि अगर स्त्री जो है वो अपने स्वभाव की वजह से जी अपने स्वभाव की वजह से अगर मान लीजिए वो जो है ना वो रिजर्व नेचर की है, वो एक अलग पहलू, वो तो पुरुषों में भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जो है वो निकल करके बाहर निकलना चाहती है, अपनी सहेलियों से मिलना चाहती है, अपनी सामाजिकता है, उसकी अपनी सामाजिकता है। ठीक है। मैं जो है ना एक दिन का उदाहरण बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसे ही जो है वो सड़क के ऊपर से जा रहा था, तो सामने से मुझे जो है ना वो एक कोई ग्रामीण महिला थी, तो वो मन ही मन मुस्कुराती हुई जो है वो मुझे दिखाई पड़ी। तो मैं सोचने लगा कि देखिए ये जो है ना अपने घर से बाहर आकर के सड़क के ऊपर और किस तरह से भीतरी भीतर से अपने कुछ प्रसन्न है अपने आप को कितना प्रसन्न अनुभव कर रही है, और इसके चेहरे के ऊपर जो ताजगी दिखाई पड़ रही है, इसके इसके व्यवहार के अंदर जो है एक खुलापन नजर आ रहा है, ये सारा खुलापन पर घर के अंदर जाते ही गायब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो घर है वो घर उसको वो आजादी नहीं दे रहा है, उसके उसके व्यक्तित्व को पूरी उड़ान भरने के लिए जिस खुले आसमान की जरूरत है वो आसमान ये समाज उसे उपलब्ध नहीं कर रहा। जहां तक नारी शक्ति का बड़ा हंगामा है जी, तो जहां आपने बात अपन ने अभी यहां जिस जगह पहुंचे हैं कि उसको एक खुला आसमान चाहिए, उस खुले आसमान का सीधा अर्थ ही नारी सशक्तिकरण से जुड़ता दिख रहा है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जो संकीर्ण सोच वाले लोग हैं वो संकीर्ण सोच वाले लोग इस खुले आसमान का मतलब ये भी लेकर के चलते हैं कि साहब ये नारी की स्वच्छंदता के हिमायत कर रहे हैं, जबकि प्रश्न यहाँ पर स्वच्छंदता का नहीं है, प्रश्न स्वच्छंदता का नहीं है, उसकी स्वतंत्रता का नहीं, दोनों बातों में भेद तो हाँ दोनों बातों में भेद स्वच्छंदता आप किसे कहेंगे और स्वतंत्रता? देखिए क्या है कि स्वच्छंदता आप उसे कहेंगे कि आपको सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं, स्वच्छंद व्यवहार कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रक वाला आपके टक्कर मार करके आगे जा सकता है, यह आपकी स्वच्छंदता का दुष्परिणाम। ठीक है। तो मैं जो है ना इस बात को इसी रूप में कहता हूँ, स्वच्छंदता जो है ना वो स्वच्छंदता आपको उच्छृंखल बनाती है, स्वतंत्रता जो है वो आपके व्यक्तित्व के विकास की जो है ना दिशाएं खोलती हैं, उन दिशाओं को उजागर करती है, ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर है। स्वतंत्रता का आप उपयोग कीजिए
ठीक है, स्वतंत्रता आपको मिलनी चाहिए, आपको निर्णय के सामाजिक भागीदारी के अंदर जो है वो आपकी इस सामाजिक भागीदारी की स्वतंत्रता आपके पास में होनी चाहिए, आर्थिक भागीदारी की स्वतंत्रता आपके पास में होनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता आपके पास में होनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की जो स्वतंत्रता है वो आपको मिलनी चाहिए। नहीं, ये आपने ठीक कहा, बिल्कुल सच कहा और होना ही चाहिए। लेकिन अब प्रश्न आता है ये कि आज की स्त्री अपनी स्वतंत्रता को किन मानक आधारों पर तय करना चाहती है, या सिर्फ स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता को अपनाकर अपनी ही कुंठाओं का तुष्टिकरण करना चाहती है? क्या नारी इतनी सजग वाकई हो गई है कि वो अपने इस विरोध को सही दिशा में सामने लाते हुए पुरुष के सामने खड़ी हो, या अभी भी कुछ भ्रामक स्थितियां हैं? देखिए क्या है सक्सेना जी की जी, ये तो हमें मान करके चलना चाहिए जी कि स्त्रियां जो है जी वो सदियों से जो समाज की मुख्य धारा है उस मुख्य धारा के अंदर पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चल पाई है, इसलिए उनके अंदर जो है उस तरह का आत्मविश्वास हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक स्थितियां बदल रही हैं, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता चला जा रहा है, जैसे जैसे वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती चली जा रही है, उनके अंदर जिस बात की तरफ आप अभी कुछ देर पहले इशारा कर रहे थे, वो जो सशक्त होने का भाव है जी, वो सशक्त होने का भाव उनके अंदर आता जा रहा है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि जब वो अपने आप को सशक्त अनुभव कर रही है तो भाई उसको ये अधिकार भी है कि वो अपना भला बुरा खुद तय करे। ये पुरुष को अधिकार किसने दे दिया है? ये पुरुष को अधिकार किसने दे दिया है कि उसके भले बुरे के बारे में जो है वो पुरुष निर्णय लेगा? ये किसने उसको उसको खुद को तय करने दीजिए कि कौन सी चीज उसके लिए अनुकूल है और कौन सी चीज उसके विरुद्ध है। जब वो खुद तय करेगी और उस संघर्ष की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी तो वो अपने आप में इतनी सक्षम होगी कि फिर वो जो है वो ये नहीं सोचेगी कि मुझे जो है वो किसी पुरुष की जो है जरूरत है ये निर्णय लेने के लिए। क्या बाजारवाद उसको रोक रहा है? बाजारवाद तो आकर्षण उसे रोक रहा है। बाजारवाद तो देखिए क्या है कि वो स्त्री को भी रोकता है, वो पुरुष को भी रोकता है। कैसे? ऐसा नहीं है, बाजार के जो दबाव हैं, ठीक है, और बाजार की जो जरूरतें हैं उन बाजार की जरूरतों के अंदर तो स्त्री और पुरुष, मैंने बताया है भाई बाजार के लिए तो वो केवल कमोडिटी है, ठीक है, पुरुष भी कमोडिटी, पुरुष भी उसके लिए जो है ना बाजार के लिए वो केवल एक जो है ना एक वस्तु है, एक माल है, और उस माल का जो है ना वो बाजार जो है वो उसका मूल्य तय करता है, और मूल्य का निर्धारण जो है ना उसकी मांग के अनुसार होता है। ये बाजार का सीधा सिद्धांत है कि जो माल है उसका बाजार के अंदर मूल्य निर्धारण होता है उसकी मांग के अनुसार। अब प्रश्न ये है कि बाजार उस माल का इस्तेमाल किस रूप में कर रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक कंपनी जो है अपने अपने उत्पाद को बेचने के लिए जो कि जो जो उत्पाद जो है ना वो पुरुषों के
काम का है उसका उसकी भी बिक्री बढ़ाने के लिए है स्त्री के जो है ना के द्वारा उसको विज्ञापित करवा करके और उसका बाजार तैयार करता है। वहां पर वो जो बाजार है वो बाजार उस स्त्री को जो है उसी रूप में ले रहा है कि वो चूंकि पुरुष उस स्त्री को देख करके आकर्षित होगा और उस माल के प्रति जो है ना उस माल को खरीदने की इच्छा जो है ना उसके भीतर जागृत होगी। भाई बाजार जो है ना वो आपके भीतर सामान को खरीदने की इच्छा भी तो जगाता है, तभी तो जो है ना आप उस सामान को खरीदेंगे। तो ये जो काम है इसी तरह से बाजार का उल्टा भी है मामला, बाजार का उल्टा भी है। स्त्रियों के काम की जो चीजें हैं उन स्त्रियों के काम की चीजों को वो पुरुषों के माध्यम से जो है ना उसे बाजार में लाते हैं और उस पुरुष देह का जो है वो आकर्षण दिखा करके और उसके प्रति जो है ना उसके मन में इच्छा जगाते हैं। तो ये जो है ना ये बाजार का जो फंडा है वो बाजार का फंडा मैं मान करके चलता हूँ कि वो तो रेसिप्रोकल ठीक वो तो परस्पर जो है वो परस्पर एक दूसरे को जो है ना माल के तौर पर पेश करने का है, दोनों के लिए ही है। अब अपन थोड़ी सी वो बात भी कर रहे हैं जिसलिए अब आपकी पहचान है थोड़ी बहुत मेरी पहचान है कि इस तरह का लेखन में खासतौर से इस स्त्री को लेकर उनके पात्रों के माध्यम से या उनके एक्ट के माध्यम से उसमें स्त्री जो पक्ष है वो ऐसा कुछ करता दिखाई दिया हो जिस बात की तरफ अपन संकेत देना चाह रहे हैं कि स्त्री को इस दिशा में सोचना चाहिए या अपने जीवन को इस तरह से समझना चाहिए, ऐसे कुछ लेखन के संबंध में आपके सामने कुछ आए हो तो आप पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो है वो इस तरह का जो साहित्य है जी वो काफी लिखा गया है और न सिर्फ स्त्रियों की तरफ से बल्कि जो पुरुष हैं उनके द्वारा भी इस तरह की रचनाएं की गई हैं और उन रचनाओं के जरिए जो है वो स्त्री की जो स्थिति है हमारे समाज के अंदर उस स्थिति को बड़ी बेबाकी के साथ में जो है वो पुरुषों ने भी विस्तार के साथ में सामने रखा है और स्त्रियों ने तो रखा ही है। तो इसलिए चाहे वो उपन्यास हो चाहे वो कहानियां हो ठीक है इसके अलावा जैसे कुछ नाटक इस तरह के लिखे गए हैं और कविताओं के अंदर भी कहीं कहीं पर जो है वो इस तरह के प्रसंग हमें जो है वो मिल जाते हैं जिसके जरिए हम जो है ना वो स्त्री की पीड़ा का स्त्री के स्वरूप को है वो और उसका जो दर्द है उस दर्द की अभिव्यक्ति को महसूस कर सकते हैं। तो काफी कुछ लिखा गया है ऐसी कोई बात नहीं है और पिछले कुछ वर्षों के अंदर तो जो है वो जैसे हमारे यहाँ जो महिला लेखिकाएं हैं उन महिला लेखिकाओं में काफी कुछ जैसे उन महिला लेखिकाओं के अंदर मैं नाम लेना चाहूंगा जैसे गीतांजलि श्री है ठीक है उन्होंने काफी कुछ लिखा है। इससे पहले प्रभात हेतान जो है उन्होंने काफी कुछ लिखा है। इसके अलावा मैत्रेयी पुष्पा है उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और जैसे जो है वो अपने यहाँ राजस्थान की ही एक लेखिका है जिनका एक उपन्यास मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा मनीषा कुलश्रेष्ठ अच्छा उनका उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा अलका सरावगी ने काफी लिखा तो ऐसी बात नहीं है ये जो है सब महिलाएं स्त्रियों की जो समस्याएं हैं उन स्त्रियों की समस्याओं को लेकर के लिख रही है लगातार और स्त्रियों के प्रति खास करके अब जो है वो धीरे धीरे करके और हमारा जो सामाजिक सोच है उस सामाजिक सोच में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलने लगा है। जैसे मैं इस बात को इस तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे पहले हमारे समाज के अंदर
लड़कियों की शिक्षा को लेकर के उस तरह की जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब हर परिवार के अंदर जो है, यानी गरीब से गरीब जो परिवार है वो भी स्त्रियों के उस लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जागरूक हुआ। साथ ही साथ परिवारों के अंदर, हालांकि देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई जो है वो परफेक्शन वाली स्थिति हो, नहीं वो तो नहीं है, बहुत है। लेकिन फिर भी परिवारों के अंदर पहले जैसे लड़के और लड़की के प्रति जिस तरह का एक भेदभावपूर्ण बर्ताव देखने को मिलता था वो धीरे धीरे करके अब कम हो जा रहा है। और लड़की को भी वही परिवार के अंदर जगह मिलने लगी है जो पहले हमारे समाज के अंदर लड़कों को के लिए खास तौर से जो है हुआ करती थी। तो उसमें काफी कुछ बदलाव आ रहा है। मानसिकता का भी बड़ा सवाल है। और कभी कभी लोग भी कहानी का सब अपने अपने ढंग से जो है वो स्त्रियों के बारे में लिख रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी कही आपने, शुरुआत में ये बात हुई थी कि जब हम घुमंतू जातियों पर लिखा गया उपन्यास की बात करते हैं, वैसे और भी बाहर भी दिखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां ही दिखता है, बाहर जीवन में भी दिखता है और उसमें भी है कि उसमें जो सांप पकड़ने वाला व्यक्ति है और जो उसकी पत्नी है, वो पत्नी भी उसकी सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ नहीं, और पति के सामने उसकी देह स्वास्थ्य को लेकर शहर की स्त्री आकर्षित भी होती है जी। लेकिन पूरे उपन्यास में ये सामरिया जी की सोच है, उसका स्वागत ही हो गया, बधाई के पात्र है वो, कि उन्होंने पुरुष और स्त्री की सोच में पूरे पूरे जैसे कहते हैं फुल वैल्यूड, दोनों के अपने अपने अस्तित्व का वो भरपूर निर्वाह किया है कि जो उनकी उनके जीवन की अपनी आस्थाएं हैं उनके साथ। आप मतलब कहीं भी वो ना दबाव में है ना उच्छृंखल है जी, अभाव चाहे कितने ही हो। तो ये जो खूबसूरती है इसका हमारे उस समाज में बड़ा अभाव है जहां दबाव आर्थिक नहीं किए, आर्थिक दबाव नहीं है वहां, शहरीकरण में स्त्री अब आर्थिक दबाव में नहीं है बड़े पैमाने पर, लेकिन वहां फिर भी वो दबाव में है सिर्फ पुरुष मानसिकता के चलते। आप जिसको स्त्री और पुरुष की मानसिकता कह रहे हैं जी, मैं उसे दरअसल में इस रूप में लेता हूं कि वो दो वर्गों की मानसिकता है। ठीक है, एक वो मध्यम वर्ग है, चूंकि उस उपन्यास को मैंने भी पढ़ा है जी, इस उपन्यास की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, अमरिया जी का सांप उपन्यास है जी। तो जो उसकी उस उपन्यास के अंदर जो स्त्री पात्र है वो मिलन देवी जी जी जी, वो क्या है कि वो एक वो मध्यवर्गीय महिला है और वो जो है उसके अंदर वो जो सपेरा है जी जी, तो वो जो सपेरा है वो सपेरा वंचित वर्ग का है। बिल्कुल सही, एक तरफ वंचित वर्ग की अपनी नैतिकता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ यही बात, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो नैतिकता है वो थोपी हुई नैतिकता नहीं है। वो नैतिकता कमाई हुई है। ये सुंदरता है ना, वो कमाई हुई नैतिकता है। और उधर जो मध्य वर्ग है वो उस मध्य वर्ग की जो नैतिकता है वो थोपी हुई नैतिकता है, लोकलाज के नाम पर, सामाजिक मर्यादाओं के नाम पर,
है या जो है अपने आप को समाज के अंदर श्रेष्ठ दिखाने के नाम पर, यानी किस किस तरह के दबावों के अंदर आप जो है ना उस नैतिकता का जो है ना लगातार नैतिकता का चोला अपने ऊपर डाले रहते हैं, और वो नैतिकता उस समय तार तार होने लगती है जब वो जो मिलन देवी है, वो मिलन देवी वो डॉक्टर एक जो है डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जाती है और वो डॉक्टर उसको जिस दृष्टि से देखता है, प्रपोज करता है, तो वहां पर वो नैतिकता जो है ना वो तार तार होती हुई नजर आती है। तो और दूसरी तरफ वो जो है ना वंचित पुरुष उसका वो जो नायक है, क्या नाम है उसका जो है ना लखी राम कुछ ऐसा नाम है उसका, लखी सपेरा। तो वो जो लखी राम है, वो लखी राम जो है ना आप देखिए उसके वो अपनी नैतिकता से टस से मस नहीं होता है, उसके सामने खुला प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद, और एक बार नहीं हाँ दो बार उसके बावजूद वो अपनी नैतिकता से जो है ना वो विचलित नहीं होता है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि जब नैतिकता जो है ना वो कमाई हुई होगी, नैतिकता जब जो है ना वो आपके आपके भीतर आपके सोच से आपकी समझ से है आपकी जो है वो भावनाओं से वो उपजी हुई होगी, तो आप जो है उस नैतिकता से विचलित नहीं होते। वो नैतिकता उस लखी राम के जो है ना उस चरित्र को इतनी ऊंचाई देती है कि आप और हम जो है ना ये देख करके चौंक जाते हैं कि यार एक इस समाज का जो बंदा है वो बंदा कितनी नैतिक ऊंचाई लिए हुए है, और दूसरी तरफ हम जिन समाजों के सदस्य हैं उन समाजों के अंदर किस तरह की गिरावट है। तो ये वर्गीय जो सोच है उस वर्गीय सोच का फर्क। तो मैं तो अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि जो जहां अपन ने बात आज छोड़ी है जी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि आज के दंपतियों में इस नैतिकता को समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम जिस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं महिला को लेकर, और दंपति नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि हर पुरुष स्त्री, हाँ। ये समझ लेना ही एक बहुत बड़ा कारगर हथियार होगा इस असंतुलन को दूर करने में, जो महिला पुरुष के बीच की मानसिकता को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनु जी बातें बहुत सारी हैं आपसे करने के, दिल भरता नहीं है, वो अच्छी इसलिए लगती हैं कि वो उनमें एक तो अनौपचारिकता है, दूसरी वो बातें हैं जो मैं कुछ कोशिश करता हूं कुरेदने की, और मतलब एक विमर्श का ढोंग नहीं है, सीधी सच्ची बातें हैं। और सीधी सच्ची बात हो सकता है शुरू में थोड़ी सी तीखी लगे, लेकिन सच्ची बात तो सच्ची होती है, गुंजी बात है। और मैं ऐसा समझता हूँ सत्यनारायण जी कि विमर्श का जो स्वरूप है वो सहज और सरल होना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए सुनने वाले को कि जैसे आपस में बात बतिया रहे हैं। जी जी, क्योंकि अगर वो जो विमर्श है वो विमर्श उबाऊ हो जाए, नहीं जी, वो विमर्श जो है वो बहुत एकेडमिक हो जाए, हाँ, फिर जो है ना उसके अंदर खामखा के अंदर अपने आप को जो है ना वो दूसरे से बेहतर सिद्ध करने की जो है होड़ चल रहा है होड़ चल पड़े, तो फिर वो विमर्श जो है वो अर्थहीन हो जाता है। सही कह रहे हैं। इसलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके मुझे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। नमस्कार मनु जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार, आपने मुझे जो है इस विषय पर बातचीत करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी, और खास तौर से जन सरोकार मंच का।